अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। खाने के बाद जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आने लगती है। मर्दाना ताकत कायम रखना चाहते हो तो वक़्त से पहले गैर ज़रूरी बाल साफ करो। शिमला मिर्च दिल के लिए नहायत मुफीद है और ये कैलोरीज को जलाती है। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। गाजर मसाने की खराबियों में फ़ायदेमंद है। खाने के बाद प्लेट को अच्छी तरह से साफ करो, क्योंकि आखिरी लुक्मे में सेहत होती है। बाबा जी कहा करते थे कि तन्हा रह लेना किसी बुरे के साथ रहने से बेहतर है। बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज़ होती है। अखरोट खाने वाले बंदे को सांस का मर्ज नहीं होता। ठंडी रोटी खाओ, दिमाग तेज़ होगा, गैस का मसला नहीं होगा। अगर आप ज़रा मेहनत वाला काम करते हैं तो हल्का सा इतर ज़रूर लगाया करें। जो लोग नाखून खाते हैं वो बहुत सी बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि नाखूनों में गंदे जरासीम होते हैं। लस्सी पीने से अल्सर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर खाना खाने से रिज्क में कमी आती है। प्याज काटते वक्त जामन खा लेने से आंखों में आंसू नहीं आते। जंग शुदा चीज़ों पर लीमू रगड़ने से जंग ख़त्म हो जाता है। दूध में मखाने मिलाकर खाने से इंसान की हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। घर में गुर्बत लाने वाली चीज़ें, रिश्तेदारों से बदसलूकी, रात को झाड़ू लगाना, रात को दरख्त के नीचे पेशाब करना और बैतुल खला में बातें करना, कब्रस्तान में हंसना, मेहमान आने पर नाराज़गी का इजहार करना। बालों पर अंडे की जर्दी लगाओ, बाल चमकदार और सिल्की हो जाते हैं। नहाने के फौरन बाद तेल की मालिश करने से दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें। जो रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा ले, उसका वज़न चंद दिनों में कम हो जाएगा और ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। अमरूद खाओ, जहनी तनाव में कमी आएगी। इस पगोल का छिलका रोज़ाना खाने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। सब्ज़ चाय में लहसुन शामिल करके पी लो, जिस्म के हर हिस्से में ताकत उभर आएगी। खाली पेट सोना उम्र में कमी लाता है। गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सकेगी। समंदरी नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरे खाने से लकवा नहीं होता। मैदा ख़राब हो या पेट का दर्द हो तो नीम गर्म पानी में लीमू नचोड़ लें और थोड़ा सा नमक शामिल करके पी लो, कुछ मिनट में इफाका होगा। पेट की चर्बी को चंद दिनों में पिघलाना है तो पानी में संगतरे के बीज डालकर पी लो। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोज़ाना 5 दाने अंजीर के खाएं। अगर घर में किसी की सांसी ना जाती हो तो उसको टिंडों का सालन खिलाएं। नीम का रस पियो, फोड़े नहीं निकलेंगे। ज़्यादा नमक मत खाओ, दिल कमज़ोर हो जाएगा। रोज़ाना निहार मुँह दही खा लिया करो, पेट की तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो दूध के साथ खजूर खाओ, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पीना। मिर्चों की जलन को अपने हाथ से दूर करने के लिए चटनी वाले पानी से धोएं। नमक और शहद मिक्स करके दांत साफ कीजिए, दांत चमक जाएंगे। जिनको बुखार ज़्यादा होता हो उनके लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए मुफीद है। सोने से कबल अदरक का टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। खाया पिया सब कुछ जल्दी हजम करने के लिए हर लुक्मे को खूब चबा कर अंदर निगला करो। इससे आपको ज़िंदगी भर कब्ज़, बदहजमी और पेट में गैस नहीं होगी। दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत बनाएं। सौंफ वाली चाय रोज़ाना पी लिया करें। जिस औरत का वज़न बढ़ रहा हो वो दार चीनी का दाना रोज़ाना खाए, वज़न चंद दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पीना, इससे बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। खाने से पहले कोई भी एक फल खाओ, जिंदगी भर बदन में कोई कमज़ोरी नहीं होगी। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी। जिनको बुखार ज़्यादा होता हो उनके लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है।
ज्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी नजर आने लगेगी। अंडे ज्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं। छींकें ना रुक रही हों तो खुश्क धनिया लेकर हाथों में मसल कर सूंघ लें। ख्वाब में बकरी दिखाई दे तो जान लो रिज्क की बारिश होने वाली है। दांतों का दर्द ना जा रहा हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दें। क्या आपको मालूम है कि आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। मछली का तेल नजर को तेज करता है। चेहरे के साथ साथ अपने पूरे बदन को खूबसूरत करना है तो रोजाना सेब खाओ। प्यासे कव्वे को पानी पिलाएं, मुरादे पूरी होंगी। दूध गर्म करके उसमें सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से आराम आ जाता है। अंडे की सफेदी बालों में लगाने से बालों में चमक पैदा होती है। घुटनों में दर्द हो तो इंजीर खाने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। अगर पार्टी में जाना हो और चेहरे पर दाना निकल आए तो बर्फ का छोटा सा टुकड़ा कपड़े में लपेटकर कुछ देर के लिए दाने पर रखें। कुछ देर में दाना अच्छा खासा कम हो जाएगा। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं।